चाहे नगर विकास का हो, चाहे जल निगम का हो, विद्युत का काम हो, मॉनिटरिंग थी। अच्छे दिन का आगाज, बड़ी बहस का यही मुद्दा है। मैं हूं आपके साथ आलोक, स्वागत है आपका। यूपी की सत्ता संभालने के 16 दिन बाद योगी सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग हुई। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी थी कि योगी सरकार के पिटारे से आखिर निकल करके क्या आता है। लोगों को किसानों की कर्ज माफी समेत कई बड़े फैसलों का इंतजार था। योगी कैबिनेट ने किसानों को तोहफा देते हुए 1 लाख तक का कर्ज फिलहाल माफ कर दिया है, जो सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं, लेकिन इससे सरकार पर 36,000 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा। वहीं एक बात और कहीं ना कहीं साफ हो गई है कि सिर्फ राष्ट्रीय बैंक की बात करें और सहकारी बैंकों का कर्ज ही माफ होगा, भूमि विकास बैंक का कर्ज माफ नहीं होगा। दरअसल यूपी में करीब 2,15,00,000 किसान, जिनमें 1,90,00,000 लघु किसान है, जबकि 30,000 सीमांत किसान हैं। जी हां, जबकि 30,000 सीमांत किसान हैं। और इन किसानों को लेकर के अगर बात करें तो एक पहले से ही ये बात जाहिर की जा रही थी कि कर्ज माफी के लिए सरकार को 62,000 करोड़ का इंतजाम करना होगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि यूपी सरकार इतनी बड़ी रकम का इंतजाम आखिर करेगी तो कहां से करेगी, क्योंकि केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली पहले ही कह चुके हैं कि इस मामले में केंद्र से उन्हें कोई मदद नहीं मिलेगी। चाहे नगर विकास का हो, चाहे जल निगम का हो, विद्युत का काम हो, मॉनिटरिंग थी। तो अच्छे दिन के आगाज को लेकर के अब किसानों को सबसे बड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। कितनी राहत मिली है, किन किन लोगों को राहत मिली है, कितना अतिरिक्त भार पड़ेगा, ऐसे तमाम सारे सवाल हैं जिनके हम जवाब आज आए हुए मेहमानों से तलाशने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का तारुफ कराना चाहेंगे। हमारे साथ शेखर दीक्षित जी हैं, किसान नेता चंद्रशेखर दीक्षित जी। शेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ चंद्रशेखर पांडे जी हैं, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है। और हरीश श्रीवास्तव जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार रामेश्वर पांडे जी हमारे साथ लाइव टुडे के न्यूज रूम से जुड़े हैं। रामेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है। रामेश्वर जी, मैं पहले आप ही के पास आ रहा हूं। अभी कैबिनेट की बैठक अभी चल रही, अभी हालांकि सारी खबरें सूत्रों के हवाले से मिलती नजर आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी योगी आदित्यनाथ खुद अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें तमाम सारी बातों का तब स्पष्टीकरण हो पाएगा। लेकिन अंदर खाने से जो खबरें छनके आ रही हैं कि 1 लाख तक का कर्ज माफ कर दिया है और भी तमाम सारे मुद्दों को लेकर के फिलहाल बात हुई है, आपकी पहली प्रतिक्रिया? जी रामेश्वर जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए रामेश्वर जी तक लगता हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन मेरे साथ किसान नेता शेखर दीक्षित जी स्टूडियो में। शेखर जी, सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा, क्योंकि किसानों की कर्ज माफी को लेकर बहुत बड़ा सवाल था कि कैबिनेट की बैठक होगी और कब, जो संकल्प पत्र जो बीजेपी का था उसमें किसानों की कर्ज माफी को लेकर का था, फिलहाल आपकी प्रतिक्रिया? तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि किसानों की जो कर्ज माफी की बात है वो पहले भी करी जा चुकी है, जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी वो भी इसी मुद्दे को लेकर के आई थी। बाद में उसने कहा कि हम सिर्फ कोऑपरेटिव बैंकों का कर्ज माफ करेंगे और बाकी बैंकों को उसने छोड़ दिया, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंकों में भी बहुत सारी ऐसी बैंकें थी जिन्होंने बाद में कर्जा माफ नहीं किया और वादे के वादे रह गए। मोदी सरकार आई, मोदी सरकार ने आने के बाद कहा कि हम किसानों के लिए 6,000 करोड़ का गन्ना मूल्य देंगे। 6,000 करोड़ रुपए आज तक किसी भी किसान को उसका कोई लाभ नहीं मिला। उसके बाद उत्तर प्रदेश की बात आई, उत्तर प्रदेश में पुनः कहा गया कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, ऐसा कांग्रेस ने भी कहा था कि हम माफ करेंगे। लेकिन सरकार आने के बाद वित्त मंत्री का ये बयान आना कि हमारे पास पैसा नहीं है, अगर हम आपको पैसा देते हैं तो हमको महाराष्ट्र को भी देना होगा, हमको मणिपुर को भी देना होगा, हमको सबको देना होगा, तो ये कहीं ना कहीं अभी विरोधाभास है।
और जहां तक मेरी जानकारी अभी मुझे पूर्ण रूप से नहीं पता है कि कितना कर्जा माफ हुआ है। अगर 1 लाख रुपए की जो बात चल रही है वो 1 लाख रुपए मूलधन के हिसाब से माफ होगा या उसमें जो ब्याज लग के ऑलरेडी आता रहता है उस हिसाब से माफ होगा, उसके कौन कौन से पैरामीटर्स होंगे, अभी मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं है और ऐसा अभी मुझे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सारी चीजें अभी सूत्रों के हवाले से हम एक अंदेशा लगाया जा रहा है जिस तरीके से अंदर खाने से जो खबरें आ रही। मैं हरीश जी के पास आ रहा हूँ। हरीश जी, जिस तरीके से अभी भी बड़ा कंफ्यूजन है, खास करके जिस तरीके से अभी किसान नेता जी ने अपनी बात रखी, शेखर जी ने भी, कंफ्यूजन सब अभी थोड़ी देर बाद दूर होने वाला है जब माननीय योगी जी की जो सरकार है उसकी कैबिनेट की निर्णय के बाद वो जो भी निर्णय उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए, उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता के लिए, जो भी आदरणीय योगी जी की सरकार ने जो आज निर्णय किए हैं पहली कैबिनेट में, जो हमारा लोक कल्याण संकल्प पत्र है उसके द्वारा में किए गए हमारे जो वायदे थे जो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए, उस प्रतिबद्धता को, उस संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और ये जो कैबिनेट मीटिंग हो रही है इसके जो फैसले आने वाले हैं वो उत्तर प्रदेश के लोगों को उत्साहित करने वाले हैं। अभी कैबिनेट के फैसले उत्तर प्रदेश की जनता को कहीं ना कहीं उत्साहित करने वाले हैं। बात करें अवैध पूछड़खानों को लेकर के, एंटी रोबियो स्क्वाड को लेकर के, तमाम सारे स्पेशलिटी पार्क को लेकर के और भी तमाम सारी चीजें भी सामने आनी है। चंद्रशेखर जी, कर्ज माफी को लेकर के हालांकि आपकी सरकार भी बात कर चुकी है और इससे पहले 2008 की बात करें तो केंद्र सरकार ने भी इस बात की घोषणा की है, लेकिन नतीजे कोई बहुत ज्यादा कामयाब निकल करके नहीं आ पा रहे हैं। आलोक जी, पहली बात तो मैं कि इंतजार करूंगा कि अभी जो मिनट्स आएंगे कि एग्जैक्टली इसमें क्या नियम शर्तें हैं उसका इंतजार करूंगा। उसके बाद में सबसे पहले बधाई दे दूं वो सारे लोगों के लिए जो आज की, निश्चित रूप से ये सभी को आभास है कि आज कर्ज माफी का एक बड़ा ऐलान होने जा रहा है, नियम शर्तें चाहे जो हूं सभी लोग जो लाभार्थी हूं उनको बधाई मैं देना चाहूंगा और मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहूंगा, धन्यवाद अदा करना चाहूंगा इस निर्णय के लिए। परंतु एक बहुत ही सख्त आपत्ति है। देखिए, कर्ज माफी का जो वायदा है ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का था। उत्तर प्रदेश की सरकार की जहां तक बात की जा रही है कि वो अपने स्तर से कर्ज माफ करें, तो मैं आपको दावे से बोल दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार का इतना बड़ा बजट है ही नहीं कि वो 62 करोड़ की तो बात छोड़िए, ये जो 36 हजार करोड़ का भी अगर ये कर्ज माफी की जा रही है तो इसकी स्थिति आप वही समझ लीजिए कि हमने एक पॉकेट से पैसा निकाला और दूसरे में डाल दिया। क्योंकि अगर आपने इतना बड़ा बजट आगे अपने एक झटके से दे दिया तो निश्चित रूप से कम 2 सालों तक पूरा उत्तर प्रदेश का विकास चरमरा जाएगा। और कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश की जनता ने नरेंद्र मोदी के इस बात पे भरोसा किया कि अगर देश का प्रधानमंत्री कह रहा है तो निश्चित रूप से यह कर्ज माफी केंद्र की तरफ से दी जाएगी। यदि यह कर्ज माफी उत्तर प्रदेश के अपने बजट से है तो भी आपत्तिजनक है। केंद्र से ले लेंगे ना, केंद्र से ले लेंगे। आप बात समझ ले, यही मैं मिनट का यही हम वेट करना चाह रहे हैं कि ये बदले में कहीं ऐसा तो नहीं कि ये उत्तर प्रदेश के बजट में हो या कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको लोन के रूप में दिया जाए। यदि लोन के भी रूप में दिया जाता है तो ऑलरेडी उत्तर प्रदेश के ऊपर 3 लाख करोड़ का लमसम का ऑलरेडी पहले से लोन है। यदि आपने एक झटके से एक बड़ा लोन का और बढ़ा दिया, क्योंकि केंद्र अपने लोन की रिकवरी भी करेगी, जैसे आपने मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों, मध्य प्रदेश में स्थिति यह हो गई है कि ये नया कर्ज लेकर के वेतन दे रहे हैं, तो हमें इस चीज का जरूर मिनट। चलिए, अब नए कर्ज की लेकर की कहीं ना कहीं बात आ गई है सामने। मैं रामेश्वर पांडे जी के पास आ रहा हूं। रामेश्वर जी, जिस तरीके से कर्ज माफी को लेकर के अब सवाल उठ रहा है, अब विपक्ष कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के उठा रहा है कि इतना बड़ा कर्ज जो माफ करने की घोषणा कर दी है, उत्तर प्रदेश में पहले ही इतना कर्जा है, आखिर कैसे सरकार करेगी? अभी सूत्रों के हवाले से अलग ही खबर आ रही है रामेश्वर जी, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसके बाद तमाम सारी चीजें क्लियर होंगी। देखिए, विपक्ष को आलोचना करनी चाहिए सरकार के हर फैसले की, लेकिन मैं याद दिला दूं कि सत्ता पक्ष हो, भाजपा की सरकार हो या खुद सपा की या और राहुल गांधी की, दूसरे पार्टियों ने सबने किसानों के कर्ज माफी की बात की है और किसी ने ये नहीं कहा कि किसानों की समस्या को संबोधित नहीं किया जाना चाहिए। कर्ज वो आत्महत्या हो रही है, बुंदेलखंड में आत्महत्याओं की इतनी सारी बातें हुई और खुद ये विपक्ष के लोग कहते रहे हैं कि भाई आप इतना खर्च कर रहे हैं तो उन किसानों का कर्ज माफ कर देते हो, आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? तो अब आलोचना हो रही है तो आलोचना के लिए हो रही है जी, इसका एक पहलू है।
भाजपा सरकार ने वायदा किया, सरकार में आए उन्होंने कहा कि पहली, इसीलिए इतनी देर हुई कैबिनेट बैठक में, तो अपनी पहली कैबिनेट बैठक में उन्होंने कर्ज माफी का ऐलान किया है, अभी विस्तार से सारी चीजें आएंगी। लेकिन इससे जुड़ा हुआ दूसरा मामला है जो अर्थशास्त्री भी कहेंगे और हमारे जो किसान नेता हैं, कर्ज माफी कभी भी लोकतंत्र में ये तात्कालिक समाधान होता है, ये भी अपीजमेंट है, तात्कालिक समाधान है, तात्कालिक मरहम है। उत्तर प्रदेश हो या देश के किसानों की स्थाई की समस्या का स्थाई हल यह नहीं है कि आपने कर्ज दिया फिर उसके बाद, कुछ लोग तो आप तलाशेंगे तो हजारों ऐसे लोग हैं जो इंतजार करते रहते हैं कर्ज लेकर, इंतजार करते रहते हैं अगली सरकार आएगी तो उनका कर्ज माफ होगा, तो ये आदत नहीं डालनी है। भाजपा सरकार इसके बारे में भी कुछ सोचेगी। जब तक किसानों के भलाई के लिए कोई अस्थाई व्यवस्था नहीं होती, जैसे फसल बीमा योजना है, किसानों के स्तर का उन्नत करना है, हम ये क्यों नहीं माने कि किसानों को हम कर्ज देंगे और किसान इस लायक होंगे कि उस कर्ज की वापसी करेंगे, हमें उस दिशा में जाना है। ये वायदा है, बहुत वायदे को भाजपा ने पूरा किया, इसको सराहा जाना चाहिए। बिल्कुल, ये सराहनीय कदम है। फिलहाल अब जो टेक्निकल जो पॉइंट है, जो तकनीकी बिंदु है, उन पर अब कहीं ना कहीं विचार करना होगा। मुझे लगता है कि किसान नेता शेखर दीक्षित जी अपनी कुछ बात कहना चाह रहे हैं। जी शेखर जी। हाँ। देखिए, ये बहुत ही सराहनीय विषय है कि वो किसानों के लिए सोच रहे हैं। ये दूसरा भी बहुत ही सराहनीय विषय है कि आज से 2 साल पहले भी वो किसानों के लिए सोच रहे थे, उस वक्त भी हम लोगों ने ये डिबेट की और इसमें बहुत भाजपा ने वाहवाही लूटी कि गन्ना किसानों को 6,000 करोड़ की राहत दी जा रही है। बाद में पता लगा कि वो 6,000 करोड़ की राहत गन्ना किसानों को ना दे करके वो मिल मालिकों को दी जा रही थी, जो गन्ना भुगतान उस वक्त उठा के 12,000-13,000 करोड़ के आसपास था, वो बकाया राशि आज 17,000-18,000 करोड़ के ऊपर चली गई है। मैं उन आंकड़ों की बात कर रहा हूं जो एक्चुअल में है। अब रही बात किसानों की उन्नति की, संवैधानिक किसान आयोग बनाने के लिए कोई भी सरकार आगे क्यों नहीं आती है? जब मोदी जी 2014 में आए थे तब उन्होंने कहा था किसान आयोग की भी बात होनी चाहिए, हम लोगों ने भी उनके साथ कहा था कि बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन आज की डेट में संवैधानिक किसान आयोग बनाने की बात नहीं होती है। आज की डेट में सपोर्टिंग प्राइस के जब बात करेंगे तो उस पर यह कैलकुलेशन नहीं होता है कि वो कितना लगा रहा है और वो कितना पाएगा। अब इसके बाद आते हैं कर्ज माफी और आत्महत्या के विषयों पर। बट नेचुरल है, अगर किसी भी जिले में किसी भी प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहा है, आम आदमी आत्महत्या कर रहा है और वो 10-20-25 हज़ार के ऋण के लिए आत्महत्या कर रहा है तो ये शर्म का विषय है। बिल्कुल, बुंदेलखंड में इस तरीके की खबरें सबसे ज्यादा आती हैं। सीतापुर में भी आई। हाँ। सीतापुर के नरही गांव में आई, उन्नाव के कुरारा गांव में आई। बुंदेलखंड देखिए, बुंदेलखंड ऐसा है कि बुंदेलखंड हमेशा लाइमलाइट रहता है। अवध में ही बहुत सारी समस्याएं हैं। लखनऊ के 50 किलोमीटर के दायरे में आप देखेंगे तो अभी भी बहुत सारे गांव में बिजली की सुविधा नहीं है, बहुत सारे गांव में प्रॉपर कोई रिसोर्सेज नहीं है जिससे वो लोग कुछ कर सके। तो ये सभी सरकारों का मिला जुला है, किसी एक का नहीं है। लेकिन भाजपा ने इसमें वादा किया था, इसके लिए हम भी बहुत अपनी तरफ से हर्ष व्यक्त करते हैं, खुश हैं कि वो किसानों के लिए कुछ सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं। लेकिन शंका सिर्फ एक है कि जैसे पहले उन्होंने कहा और नहीं किया वैसा फिर ना हो। जी हाँ, 36,000 करोड़ का जो अब अतिरिक्त बोझ पड़ेगा उसका क्या इंतजाम किया है हरीश श्रीवास्तव जी? इस सवाल का जवाब अब विपक्ष भी चाह रहा है और जनता भी चाह रही है। देखिए आलोक जी, जो भी अभी तो ये आना बाकी है कि क्या फैसला कैबिनेट में हुआ जी, और कैबिनेट का एक डिटेल एक बार फैसला आने के बाद बहुत सारे जो शंकाएं आशंकाएं हैं, चाहे वो मीडिया के मित्रों की हो, चाहे बाकी शेखर जी और बाकी लोगों की हो, वो सब अपने आप स्वतः दूर हो जाएंगी। मूल विषय यह है कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश के सम्मानित किसानों से जो वायदा किया था उसको पूरा करने की दिशा में एक बहुत मजबूत कदम उठाया है और इसको सबको सराहना करनी चाहिए। अभी शेखर दीक्षित जी कह रहे थे कि वो 2 साल पहले वायदा किया था और किसानों के लिए कहा था, कुछ किया नहीं। मुझे लगता है कि या तो शेखर जी पूरी बातों को सम्यक ढंग से उन्होंने अध्ययन नहीं किया। एक बार पहले मेरी बात आ जाए, आप शेखर जी के पास आऊंगा जी। हां जरूर, हरीश जी की सुनने बात। जो गन्ना किसानों के भुगतान के लिए 6,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने दिया था, वो तब भी स्पष्ट किया था कि वह बैंकों के माध्यम से
वो नाबालिगों को नहीं दिया था, वो बैंक को दिया था कि उस बैंक के माध्यम से जो पेमेंट्स हैं किसानों के, वो 6,000 करोड़ रुपया उससे पेमेंट्स हुए थे। और जो ये बता रहे हैं कि 18,000 करोड़ रुपया रह गया है, मुझे नहीं लगता कि ये फिगर है, लेकिन जो भी फिगर है, हमारी सरकार ने वादा किया, जो हमारे नेतृत्व ने यह वादा किया था उत्तर चुनाव के दौरान कि हमारी सरकार आते ही 3 महीने के अंदर, 90 दिन के अंदर मिल मालिक, वहाँ का कलेक्टर और जो ये केन डिपार्टमेंट है उसके समन्वय से वो सारा भुगतान हम सुनिश्चित कराएंगे। और जब गन्ने का आगे गन्ने का जो जो भी किसान होगा उसको जो चेक मिल जाएगा और 15 दिन के अंदर उसको भुगतान मिल जाएगा, ये हमने वादा किया है गन्ना किसानों से और इसको हम पूरा करने का काम करेंगे। चलिए बिजली तरीके से सवाल बिजली पे भी मैं आता के पास आ रहा हूं, मैं एक एक करके मुद्दे को लेकर के बात करूंगा। चंद्रशेखर जी, आपने सवाल उठाया कि कर्ज पहले से ही इतना यूपी पर कर्ज है, लेकिन तो सरकार की भी तो जिम्मेदारी है, सरकार ने भी तो पूरी तरीके से एक प्रारूप तैयार किया होगा, ब्लूप्रिंट पूरी तरीके से तैयार किया होगा, यूं सब हवा में थोड़ी ना किया होगा ये सब। आलोक जी, दो चीजें मैंने, दो मुद्दे उठाए हैं। पहली, मैंने पहले ही कहा कि ये स्वागत योग्य कदम है, तहे दिल से मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। चाहे जल निगम का हो, विद्युत का काम हो, मॉनिटरिंग थी, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे जिस तरीके से सिद्धार्थनाथ सिंह और श्रीकांत पीयूष की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें तमाम सारी बातों को लेकर के वो जिक्र कर रहे थे कि कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ चीजें सामने आई। मैं रामेश्वर पांडे जी के पास सबसे पहले जा रहा हूं। रामेश्वर पांडे जी, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, बहुत सारी घोषणाओं की बात की, अवैध भूचड़खानों को लेकर के बात की, और कुल मिलाकर के जो आज की कैबिनेट की बैठक रही वो कहीं ना कहीं किसानों के इर्द गिर्द ही घूमती रही। मैं रामेश्वर पांडे जी के पास आऊंगा, लेकिन मैं पहले हरीश जी के पास चलूंगा। हरीश जी, जिस तरीके से अब कहीं ना कहीं एक तरीके से कहा जा सकता है कि किसानों को लेकर के जो उम्मीद थी आखिरकार उसी उम्मीद के अनुरूप ही घोषणा भी हुई कहीं ना कहीं। निश्चित रूप से मैंने आपसे आलोक जी पहले ही कहा था कि एक आज का जो माननीय योगी जी की सरकार के जो कैबिनेट का आज जो पहली कैबिनेट है उसके जो निर्णय हैं पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों को, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को उत्साहित करने वाले हैं। चाहे वो गेहूं खरीद का मसला हो या गेहूं खरीद में जहां किसानों की पूरी फसल खरीदी जाए इसके लिए आवश्यकता पड़ती है तो और खरीद केंद्र बनाए जाएं, और उनके भुगतान को लेकर के है कि उनके सीधे उनके खाते में भुगतान किया जाए। इस तरह से जितने भी फैसले किए गए वो उत्तर प्रदेश की जनता को उत्साहित करने वाले हैं, और खासकर किसानों के लिए जो एक बड़ा फैसला किया कि किसानों के लिए बड़ा फैसला किसान नेता शेखर जी हमारे साथ हैं। शेखर जी, जो कैबिनेट की जो बैठक थी पूरी तरीके से किसानों के मुद्दों को लेकर के है, चाहे वो आलू की फसल को लेकर के हो, चाहे वो गेहूं की खरीद को लेकर के हो, कर्ज माफी को लेकर हो, आपकी क्या प्रतिक्रिया? नहीं, बिल्कुल बहुत ही उत्साह का विषय है और योगी जी को उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, और इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से हो जाए और सभी किसानों को इसका लाभ मिले, इससे और अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता है जी। चलिए चंद्रशेखर जी, खुश हैं? हाँ बिल्कुल खुश हैं, ये अच्छी पहल है और इसके लिए मैं इसके लिए विशेष तौर से मैं योगी जी को और भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहूंगा, उन किसानों को स्पेशली बधाई देना चाहूंगा जो इसके लाभार्थी होने जा रहे हैं। पर जो मैंने अभी सवाल किया था एज इट इज वो कायम है। देखिए, एक चीज समझ लीजिए कि किसान को इसकी सख्त जरूरत थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब मत बोलिएगा बीजेपी को कि भारतीय जुमला पार्टी है ये। हरीश जी के साथ में बैठे हरीश जी, इसके अलावा अभी मैं पढ़ रहा था जो लोग जुमला बोलते थे उनको उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने उनको बाहर कर दिया। अब जो लोग आए हैं वो जो कहते हैं वो करते हैं, और पूरी राजनीतिक इच्छा शक्ति और पारदर्शिता के साथ उसको साकार करने का जो कहा वो किया। फिलहाल हरीश जी को मैं एक चीज बता दूं, अभी ये केवल शुरुआत है, ये तो ठीक है, अच्छा कदम है, क्योंकि आपके पास कोई विकल्प नहीं था मना करने का। लास्ट इंप्रेशन भाई, शुरुआत अच्छी है तो आगे की पहली क्या आपकी बैठक की आज इतना अच्छा है। अब आपकी, अब हम चाहेंगे कि मोदी जी अपने वायदे पे आए। क्या ये कर्ज माफी मोदी जी का है? ऐसा तो नहीं कि हमारी उत्तर प्रदेश की जनता ने जो टैक्स दिया था जिस पैसे से सड़कें बन गई, अरे मोदी जी के तो वादे योगी जी पूरे कर रहे हैं। चलिए मैं रामेश्वर जी के पास आता हूं। रामेश्वर जी, कैबिनेट की जो आज बैठक हुई सूत्रों के हवाले से हम पहले बात कर रहे थे, लेकिन अब स्थिति सारी की सारी साफ है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने एक एक बात को क्लियर कर दिया,
30,729 करोड़ का कर्ज आखिरकार माफ हो गया। एक बड़ी राहत कहीं ना कहीं किसानों के लिए, और सबसे बड़ी बात जो वादा किया था उसको भी निभाया, क्योंकि आज की इस बैठक को लेकर सबकी नजरें थी कि क्या फैसला होगा, क्या फैसला होगा विपक्ष की, खास तौर पर रामेश्वर जी। नहीं, निश्चित तौर पर उम्मीद भी थी, और अगर पहली कैबिनेट की पहली बैठक में अगर ये फैसला न करते तो भाजपा कटघरे में होती, क्योंकि वादा किया था। मेरा ये कहना है कि यह तात्कालिक राहत है और ये हमारे लोकतंत्र का बहुत ही स्वस्थ तरीका नहीं है। मेरा इस समय, और निश्चित तौर पर पहली बैठक में किसानों से कंसर्न है, सारे मुद्दे किसानों से जुड़े हैं, लेकिन केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है और प्रदेश सरकार, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जब तक लागू नहीं होगी, भाजपा का जो वायदा है कि फसल, किसानों के फसल की जो वो दुगनी कीमत की बात करते हैं कि उनकी लागत और उससे 5 गुना, ये बड़ी चुनौती वो है। और अगर इन चुनौतियों को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट ये लागू कर देते हैं, किसानों की आय बढ़ाने के इनके वायदे पूरे होते हैं, तो कर्ज देने की जरूरत नहीं होगी, जो कर्ज दिया जाएगा उन्हें माफ करने की जरूरत नहीं होगी, किसान लौटा देंगे। अगर उनकी फसल के बिचौलिए काम करते रहे, उनके फसल के साथ यही हुआ, तो फिर वो 1 लाख के कर्जदार हो जाएंगे, तो आप ये पूरा दुष्चक्र है। तो अभी तो पहला ये वादा है आपने माफ किया, लेकिन किसानों को आत्महत्या के दुष्चक्र से निकालना है, गरीबी के दुष्चक्र से निकालना है, तो जो केंद्र की जो बड़ी योजनाएं हैं उनको लागू करना पड़ेगा और किसानों के स्थायी आय की व्यवस्था करनी पड़ेगी। बिल्कुल, आय की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, बहुत सही बात आपने कही। लेकिन इस वक्त अगर मैं ट्विटर पर जाऊं तो पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि जो कर्ज माफ किया है वो कहीं ना कहीं ये छलावा है किसानों के साथ। जरा चंद्रशेखर जी जरा समझा दीजिए हमारी जो आवाम है इस वक्त, जो लाखों करोड़ों दर्शक जो देख रहे हैं, किस तरीके से ये छलावा हो सकता है। आलोक जी देखिए, अभी जो मैं कह रहा था यही बिल्कुल यही शब्द मेरे थे। देखिए है क्या चीज कि हमारे जेब में कुछ है, हमारे जेब में कुछ है और हम निकाल करके, कान चाहे आप ऐसे पकड़िए, घुमा के पकड़िए, कान आप ही का पकड़ा जाना। सवाल इस चीज का है कि उत्तर प्रदेश का जो किसान था, वो जब वो अपने उपज को ले, पैसे लेने के बाद वो जाता था तो वो कुछ तो मार्केटिंग करता था ना, वो चाहे नमक से लेके हल्दी से लेके जो खरीद रहा था वो सारे में टैक्स दे रहा था। और किसान और मजदूर ये अंतिम कंज्यूमर है जहां से ये पूरा रेवेन्यू जनरेट नहीं। यही बात तो सिद्धार्थ सिंह ने कही कि बिचौलिए, जो आपके समय में भी तो बिचौलियों पर लगाम नहीं लग रही थी ना, किसान बेच रहा था, लोग खरीद भी रहे थे, लेकिन बिचौलियों पर कैसे लगाम लगेगी। मेन तो यहाँ पर है, पकड़ने वाली नब्स यहीं पर है, नब्स पकड़ी गई। मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे कि सबसे पहले जरूरत इस चीज की थी कि उत्तर प्रदेश से फंड को रोटेट मत करिए, क्योंकि वो सारा फंड डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं ऑलरेडी एंगेज था। अगर आपने उत्तर प्रदेश के ही फंड से केवल कर दिया तो इसका असर निश्चित रूप से डेवलपमेंट पे प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से साफ दिखाई देगा। बेहतर ये होता कि केंद्र सरकार इसको माफ कर दी तो उसका असर किसानों पे ना पड़ता, उत्तर प्रदेश की जनता पे ना पड़ता, डेवलपमेंट पे ना पड़ता। इसलिए हमारा ये कहना है, केंद्र सरकार के आपने बात छोड़िए, मैं जरा एक बार रामेश्वर जी के पास आ रहा हूं। रामेश्वर जी, केंद्र सरकार अगर माफ करता, सवाल ये है कि केंद्र सरकार की तरफ से अभी भी इस बात को स्पष्ट कर चुका है कि वो इस स्थिति में नहीं है, ना ही वो करेगा। ये राज्य अगर सामर्थ्यवान है तो राज्य कर्ज माफ कर दे, ये बात वित्त मंत्री भी साफ कर चुके हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश के साथ तमाम सारे ऐसे राज्य फिर ये मांग उठने लगेगी। रामेश्वर जी नहीं लग रहा? देखिए हमें हमेशा देश की बात सोचनी चाहिए, सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं, हम उत्तर प्रदेश के हैं। अगर ये डिमांड हम उत्तर प्रदेश की पूरी करेंगे तो महाराष्ट्र से भी ये मांग हो रही है, तो केंद्र का जो खजाना है, केंद्र इस स्थिति में नहीं है कि पूरे देश के किसानों का कर्ज माफ करे। और ये सबकी डिमांड है, क्या राज्य अपने संसाधन से इसको माफ कर सकता है? क्या बेहतर व्यवस्था और आर्थिक प्रबंधन से उन चीजों को नियोजित कर सकता है? पहली चुनौती राज्यों के, निश्चित तौर पर इसमें अभी फाइन ट्यून होगा तो आएगा कि उत्तर प्रदेश के खजाने में भी ये स्थिति नहीं है कि वो एक झटके में इतना बोझ सह लें, तो इसके लिए केंद्र से वो कर्ज ले सकते हैं। अगर इतना बड़ा फैसला है तो इसके लिए आर्थिक प्रबंधन
करने होंगे और इसके लिए केंद्र मदद भी करेगा। बिल्कुल, केंद्र कितनी मदद करेगा इस पर भी हम आपसे कुछ जानकारी लेंगे, लेकिन मैं शेखर जी के पास आ रहा हूं। शेखर जी किसान नेता हैं, जिस तरीके से अगर बात करें इस पूरे मामले को लेकर के, तमाम सारी चीजें आ रही, बिचौलियों पर रोक लगेगी, आलू को लेकर के तमाम सारी योजनाएं, अब कहीं ना कहीं एक किसान वर्ग जो पिछली सरकार में अगर कहें तो जो अनदेखी की जाती थी, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता था, बिचौलिए पूरी तरीके से सक्रिय थे, अब वो चीजें कहीं ना कहीं शॉर्ट आउट कर ली गई हैं, ये एक राहत की बात है किसानों के लिए। है, इसमें किसी भी तरीके का इस समय फैसले पे विरोध करने का कोई मतलब नहीं बनता है। हाँ। रही बात किस तरीके से फंड मैनेजमेंट का है, तो अगर कोई शासन ऐसा कर रहा है तो उसने उसके लिए भी एक बैकअप मैनेजमेंट रखा होगा। जिस तरह हम बात करें, बिहार में नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी ला दी और 17,000-18,000 करोड़ का उस समय वहां पे रेवेन्यू था, और उसके बाद लोगों ने भी ये क्वेश्चन किया कि अब इसको कैसे चलाएंगे। आज वहाँ विकास भी हो रहा है, विकास की दर भी है, युवा भी खुश हैं, लोग भी खुश हैं। अगर किसान हितों में कोई काम होता है और किसानों की समस्याओं को दूर किया जाता है तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। और अखिलेश जी के पास ये मौका 5 साल पहले था, अगर वो 5 साल किसानों के लिए काम करते तो शायद आज वही बने होते, ऐसा भी हम लोग निरंतर कहते रहे। इसलिए ये मैनेजमेंट अब राज्य सरकार पे छोड़ देना चाहिए कि वो किस तरीके से इसको मैनेज करेंगे। रही बात केंद्र की, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो मिलके कोई ना कोई इसमें बेहतर विकल्प निकालेंगे। बिल्कुल, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो आपसी समन्वय है, जो कोऑर्डिनेशन है, अब कहीं ना कहीं जो अलग से जो वर्डन की बात करें, ये मैटर भी बहुत छोटी सी बात है। क्यों ऋषि, नहीं लग रहा सॉल्व कर लिया जाएगा ये तो बहुत जल्दी? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, हमने आपको पहले कहा कि अगर नीत और नियत साफ है और इच्छा शक्ति मजबूत है तो कठिन से कठिन लक्ष्य को, कठिन से कठिन टास्क को पूरा करने में कोई कठिनाई नहीं होती। मैं वो आदरणीय योगी जी की सरकार को, आदरणीय योगी जी को, पूरे मंत्रिमंडल के सदस्यों को बधाई देना चाहूँगा कि जहाँ एक तरफ उन्होंने किसानों के इतने बड़े कर्ज को माफ करने का काम किया, वहीं आलू किसानों की समस्याओं को लेकर के और जो खनिज माफियाओं की जो लूट थी उसको लेकर के और औद्योगिक विकास को लेकर के उन्होंने मंत्री समूहों का गठन किया है, और गेहूं खरीद को लेकर के जो उन्होंने अतिरिक्त सतर्कता बरती है कि किसी भी किसान को किसान से सीधे खरीदो, कोई बिचौलिया इसमें ना आवे, ताकि आधार कार्ड के आधार पर उनके, बिल्कुल कहीं ना कहीं किसानों को लेकर के जो वादे किए गए थे, वायदा किया था जो योगी सरकार ने, जो मोदी ने जो वादे किए थे, वो अब योगी उसको एक एक करके पूरा कर रहे हैं। चंद्रशेखर जी बहुत बहुत शुक्रिया, हरीश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, शेखर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और रामेश्वर पांडे जी आपने से भी बहुत सारी चीजों को समझने की कोशिश करी। आज थोड़ा सा वक्त हमारे पास कम था, लेकिन हम आगे की डिबेट में आपसे बहुत सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी बहस में आज बस इतना ही, लेकिन चलने से पहले अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी दे दें कि आज की इस कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ खास चीजें सामने आई। तो योगी कैबिनेट के फैसले, जिस तरीके से आपको बता दें कि 30,729 करोड़ का कर्ज माफ किया गया है, और इसके बाद अगर बात करें तो ये कैबिनेट के अहम फैसले, साथ ही साथ 5,630 करोड़ का जो कर्ज है पूरी तरीके से जो माफ कर दिया गया है, और इसी के साथ साथ ये फैसलों की जो करिए, गाजीपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा और जिसमें तमाम सारी सुविधाओं से लैस होगा, तो कहीं ना कहीं सरकार जो है वो स्पोर्ट्स को लेकर के किस तरीके से बढ़ावा दे रही है। 26 अवैध भूचड़ खानों को बंद किया गया है और इसके लिए जो लाइसेंस है उनके रिन्यूअल की भी बात की है। किसानों को बिचौलियों से मुक्ति की बात भी की गई है। तो किसान जो थे इससे पहले की सरकार में जो बिचौलिए किस तरीके से एक्टिव थे, सक्रिय थे, उसको लेकर भी बात की गई है। वहीं 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद होगी, ये लक्ष्य रखा गया, ये कई सिटिंग में होना है, तो जो लक्ष्य रखा गया पहली सिटिंग में वो 40 लाख मीट्रिक टन का। आलू पैदा करने वाले किसानों को भी कहीं ना कहीं राहत दी गई है और इसके लिए एक उद्योग नीति भी बनाई गई है। साथ ही साथ आलू की खरीद के लिए 3 लोगों की एक कमेटी का गठन भी किया गया है जो पूरी तरीके से नजर रखेगी कि ताकि किसान जो है वो उससे कोई दिक्कत ना हो। 26 अवैध भूचड़ खानों को फिलहाल बंद कर दिया गया है जो कि संकल्प पत्र में था, घोषणा पत्र में था बीजेपी के, तो अब सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है। यूपी में पूंजी निवेश पर भी जोर दिया गया।
नगर विकास का हो, चाहे जल निगम का हो, विद्युत का काम हो, मॉनिटरिंग थी।